हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जब हम आईएमसी की होम मीटिंग करते हैं तो इसके दौरान हम करते क्या हैं, सबसे पहले आईएमसी के प्रोडक्ट्स के डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए लेता हूं कि अगर हम आईएमसी का एलोवेरा जूस का डेमो करने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट एग्जांपल होना चाहिए जिससे लोग आसान तरीके से समझ पाए कि वाकई में आज के डेट में इस प्रोडक्ट की उन्हें सख्त ज़रूरत है। जब हम लोगों के नीड क्रिएट कर देंगे, उनकी ज़रूरत क्रिएट कर देंगे कि ये ही प्रोडक्ट उन्हें हर एक बीमारी से राहत दे सकता है, तो कम से कम वो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो आईएमसी के प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं तो लाइफ टाइम तक दोस्तों भूलते नहीं हैं। अगर भूलते हैं तो आज आप और हम यहाँ होते नहीं। दोस्तों, ध्यान रखिए कि हमें लर्निंग स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बतलाता हूँ कि लोगों को क्या एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना है जिससे लोग वाकई में इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, उन्हें बतलाना है कि जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा बचपन होता है, उस समय सर से लेकर पांव तक हमारा पूरा सिस्टम नीट एंड क्लीन रहता है। जो हमारा पाचन तंत्र रहता है वो पूरा साफ सुथरा रहता है। लेकिन 10 से 20 साल में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हमारे शरीर में एक से एक नई नई बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पास सही जानकारी नहीं रहती है, हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो हमें जो भी मिलता है हम खाना पीना शुरू करते हैं और घर का खाना कम खाते हैं लेकिन बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। और बाहर के जितने सारे भी खाना होते हैं वो सभी केमिकल बेस्ड होते हैं, जिसके वजह से आज की डेट में हर लोगों को एक से एक शारीरिक समस्याएँ हो रही है। वैसे कॉमन प्रॉब्लम बताया जाए दोस्तों, तो आज यूथ प्रॉब्लम ज़्यादा क्या है कि 20 से 25 साल के लोगों के बाल जल्दी पक जा रहे हैं। तो हमारे पास सही तरीके से जो भी हम अच्छी चीज़ें खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में नहीं जा पा रहा है। इसका कारण क्या है, उन्हें आप सिंपल वे में बतलाइएगा कि मान लीजिए कि हम एक नया घर बनाते हैं, ठीक है, एक नया घर बनाएं, और उस घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि एक सिंटेक्स बॉक्स होता है जो हमारे पानी का टंकी होता है उसे छत पर लगाते हैं, और एक पाइप होता है जो पाइप का कनेक्शन उस टंकी से पूरे घर तक जाता है, जो हमारा वॉशरूम में पानी आता है, किचन में पानी आता है, हर जगह में पानी आता है। लेकिन जब हम लगाते हैं तो वो टोटली नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होता है। अगर 10 साल के बाद उस पाइप को खोला जाए तो क्या आपको उसी तरह साफ सुथरा दिखेगा, जवाब है नहीं। तो कारण क्या है दोस्तों कि अगर पानी के जाने से की वजह से ही उस पाइप में बहुत सारी बैक्टीरिया गंदगी मौजूद होती है, ठीक है, उसी प्रकार हम अगर 10-20 सालों से अपने मुँह के माध्यम से इतना सारा खाना खा रहे हैं तो हमारा ब्रश तो हम रोज़ कर रहे हैं, रोज़ नहा तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या हम उसकी सफाई कर रहे हैं? क्या आज तक कोई डॉक्टर ने आपको ये बतलाया कि इसकी भी सफाई होती है और इसकी सफाई करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है? किसी को भी आज तक नहीं पता दोस्तों। बस अगर आप इतनी अच्छी तरह से उन्हें ये बतला पाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि वाकई में इस प्रोडक्ट को लेना ज़रूरी है। यहाँ तक तो वो थ्योरी समझ पाएंगे कि आप जो बतलाएंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा है। बस लोगों के मन में सवाल क्या आएगा कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को नीट एंड क्लीन साफ सुथरा कर पाएं। इसके बाद अगर आप आईएमसी एलोवेरा फाइब्रेट जूस का डेमो करते हैं तो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट उन्हें लेना ही लेना है। अगर दोस्त अगर वो ये प्रोडक्ट लेने के लिए राजी हो जाते हैं तो उन्हें बतलाइएगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हर घर में है, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन होना, ये प्रॉब्लम सबसे पहले दूर हो जाएगी। और साथ ही में जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जो एलोवेरा में फाइबर जो होते हैं वही धीरे धीरे रिस रिस के पूरी शरीर की सफाई करते हैं। बस उन्हें तरीका बतलाएगा कि एलोवेरा फाइबर जूस पीने का सही तरीका क्या होता है कि रात में सोते वक्त उन्हें गुनगुने पानी में 15 से 20 ml लेना है। अगर वो इस तरह लेते हैं तो हमारे एलोवेरा फाइब्रा जूस को पूरी सफाई करने में कम से कम 4 से 5 घंटा का टाइम लगता है। इसके दौरान हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, तो ये टाइम हमें मिलता है रात को सोते वक्त। अगर लोग इतना समझ जाते हैं, अगर इसे मात्र एक बोतल ही हमारा एलोवेरा फाइब्रा जूस का इस्तेमाल करते हैं तो गारंटीड है कि उन्हें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान उन्हें देना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह उन्हें एक बार ज़रूर समझाएं। मैं आपको बतलाता हूं कि आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो कम से कम 1 से 2 बार ट्राई से ज़रूर करें।
तो ये था दोस्तों IMC के एलोवेरा फाइब्रेस जूस के बारे में एक परफेक्ट एग्जांपल। अगर आप भी लोगों को इस तरीके से बतलाते हैं तो लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे और एटलीस्ट कम से कम एक बार प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आपकी ज्वाइनिंग भी आसान तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों आप बतलाइएगा कि आपको ये एग्जांपल को जानकर कैसा लगा, कमेंट में हमें बतलाएं। और भी आप एग्जांपल चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज लेने के लिए तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप इसे लाइक करते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।